नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे अहम बात है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो पूरा कब होता है, और हम बात कर रहे हैं चंबल रिवर फ्रंट की, जो कि वक्त से पहले बनकर तैयार है और 12 तारीख को जनता के लिए समर्पित भी होगा, जब उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। लेकिन इसके पीछे जिसका विजन रहा है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी की। शांति धारीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूडीएच मंत्री के तौर पर आपके 3 कार्यकाल रहे, तीसरा कार्यकाल ये है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल से ये कार्यकाल बेहतर कैसे है? कौन सी वो उपलब्धियां आप मानते हैं जो पिछले 2 कार्यकाल से ये बेहतर आपको बताती है? ऐसा नहीं है कि ये कार्यकाल बेहतर रहा जी। मेरे तीनों कार्यकाल से मैं जो कुछ मुझसे काम लिया गया जी, मैं उससे संतुष्ट हूँ। पहले कार्यकाल में भी मैंने खूब काम किया है और दूसरे कार्यकाल में भी खूब डेवलपमेंट का काम किया है, शहरों के विकास के लिए काम किया है, और तीसरे कार्यकाल में भी मैंने जो खूब काम किया है, ख़ास तौर पर जो कोटा की बात कह रहे हैं, रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं आप, तो ये मन में विचार आया था कि चंबल नदी बरसों से बह रही है, सैकड़ों सालों से बह रही है, और ये हमें पानी देती है, पीने का पानी देती है, सिंचाई का पानी देती है, अच्छा वातावरण और अच्छा पर्यावरण सब कुछ मिलता है इससे, तो क्यों नहीं इसके ऊपर एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाया जाए जो विश्व में प्रसिद्ध हो। तो हमने दूसरी में कई कंट्रीज में घुमा हुआ हूँ, वहाँ के रिवर फ्रंट भी देखे मैंने, साबरमती का रिवर फ्रंट भी देखा। तो मन में ये विचार आया कि अलग से कोई किसी आर्किटेक्ट से जो है बैठ करके बात करके अपना जो मन जो भावना आई है, जो विज़न मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको बताने की कोशिश। तो मैंने सेलेक्ट किया डॉक्टर अनूप भरतिया को। मैं अनूप भरतिया के साथ घंटों बैठा रहा और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं इसमें हेरिटेज रिवर फ्रंट बनवाना चाहता हूँ। तो वो बड़ा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा रिवर हेरिटेज रिवर फ्रंट तो दुनिया में कहीं नहीं है, रिवर फ्रंट तो कई हैं लेकिन दुनिया में कहीं रिवर फ्रंट नहीं है। तो बड़ा खुश हुए, और खुश होकर के उन्होंने करीब करीब 1-1.5 महीने तक लगातार मेहनत करके और एक प्रोजेक्ट बना करके मुझे दिया। प्रोजेक्ट का एक मोटे खाका बना के, उस खाके पे हम करीब करीब 3-4 महीने तक बराबर डिस्कशन करते रहे कि कहाँ क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये है वो है, कब ये शुरू हो सकता है काम, कब ख़त्म हो सकता है, इन सब बातों को खूब लंबे डिस्कशन 3-4 महीने तक चलते रहे। यह है 2019 की बात, क्योंकि 2018 के आखिरी में हमारी सरकार बनी थी और 2019 में ही हमने ये सब काम किया। नतीजा ये रहा कि उस पर इतनी मेहनत की गई कि 2019 के आखिरी में जाते जाते सब ये सब सारा डिज़ाइन वगैरह जो कुछ भी उनको बनानी थी और हमसे जो डिस्कशंस करने थे, हमारे मन में जो विचार थे, उनको विचार को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जा सकता है, ये सब बातें डिसाइड हो गई। अब आ गया 2020 में शुरुआत में जो है जो प्रोसीजर होता है, जिस तरीके का गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, टेंडरिंग का, ये का, उसका उसका बीडी इवोल्यूशन का वगैरह वगैरह वगैरह, ये करते करते मार्च आ गया। मार्च के बाद में फिर वर्क ऑर्डर आ गया, फिर फाइलें स्टेट लेवल पर आने लग गई, आकर के स्टेट लेवल से मंजूरी होकर के, तो कुल मिला करके हम जो वर्क ऑर्डर दे पाए कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे पाए हम जुलाई अगस्त के टाइम में, 2020 की जुलाई अगस्त के बाद, जुलाई 2020 के आसपास ही जो है अगस्त भी आ गया, तो मान के चले हमने काम शुरू किया। इसी बीच में क्या हुआ कि 2019 में 1960 में ये जाकर के चंबल के ऊपर तीन डैम और एक बैराज कोटा शहर का ये बने थे 1960 में। बनने के बाद में कभी इतनी बड़ा बाढ़ इस चंबल नदी में नहीं आई जो 2019 में आई, और ये जो 2019 में बाढ़ आई उससे हमारी आंखें खुल गई कि हमें रिवर फ्रंट किस हाइट पे बनाना है। क्योंकि 2019 में जो बाढ़ आई उसमें राणा प्रताप गांधी सागर के सारे गेट खुल गए,
राणा प्रताप सागर के सारे गेट खुल गए और आपके जवान सागर के सारे गेट खुल गए और कोटा बैराज से भी जितने भी गेट थे वो सब खुल गए। तो खुलने के बाद में जो बाढ़ आई वो बाढ़ जो है कोटा शहर के अंदर भी घुस गई। इतनी बाढ़ कभी जिंदगी 1960 से लेकर के कभी नहीं आई। तो वो एक वरदान था हमारे लिए ये देखने के लिए कि कितना बड़ा कितनी ऊंचाई पे जो है ये रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है। उसी के हिसाब से डिजाइन तैयार हो गई 2019 के आखिर तक। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर 2020 के वर्क ऑर्डर पूरा प्रोसेस जुलाई अगस्त में जो है वर्क ऑर्डर इशू करने लगे, काम शुरू हो गया। काम शुरू हुआ करके 6 महीने ही हुए थे, 6-8 महीने हुए थे और कोविड आ गया। कोविड चलता रहा 2022 तक, लेकिन हमने काम में हमने कोई ढीला ही नहीं बरती। जितने मजदूर काम करते थे, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, रिवर फ्रंट के साथ साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट में हमने लिए, चाहे सिटी आपका सिटी लेवल पार्क हुआ, कोटा शहर के सारे डेवलपमेंट के काम हुए, जितने भी अंडर पासेस थे, अंडर या ओवर ब्रिजेस थे, एलिवेटेड रोड्स थी और दूसरी और बाकी सड़कों का ब्यूटिफिकेशन था, जो कुछ भी करना था वो सब काम हमने तो 2020 में चालू कर दिए। 2020 के आखिर में तो 10,000 लेबर काम करती थी हर जगह, सारी मिला करके कोटा में 10,000 लेबर। उस 10,000 लेबर को हमने कोरोना के दौरान जाने नहीं दिया। बाहर की लेबर थी, कोटा शहर की थोड़ी बाहर से, लेकिन जाने नहीं दिया। उनके खाने का इंतजाम किया, उनके ठहरने का इंतजाम किया, लेकिन दिन में कोरोना के दौरान भी हम उनसे काम करवाते रहे, सड़क पर काम करते रहे और हम भी सड़कों पर घूमते रहे। डॉक्टर अनूप भरतिया ने और उनकी टीम ने इतनी मेहनत करी कि किसी आर्किटेक्ट से ये संभव ही नहीं है कि आप इतना काम करवा सकते हो। आर्किटेक्ट का काम होता है डिज़ाइन बना करके दे देना, फिर बाकी काम सारा ठेकेदार का होता है। वो मुश्किल से 3 या 4 महीने में एक विजिट करता है और विजिट करके फिर छुट्टी कर देता है। तो कुल मिला के कोई भी प्रोजेक्ट ये लेते हैं आर्किटेक्ट वगैरह है, तो कुछ तीन या चार बार की विजिट करते हैं, लेकिन अनूप भरतिया बराबर लगे रहे, उनकी टीम लगी रही, कम से कम 20 आदमियों की टीम उनकी बराबर कोटा स्टेशन करती थी और वो भी हर हफ्ते कोटा आते रहे। मैं भी हर हफ्ते पहुँचता था कोटा, हम साथ ही दौरा करते थे। और यही वो मेहनत थी जो वक्त से पहले ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। लेकिन शांति धारीवाल जी, ये परियोजना बनकर तैयार वक्त से पहले हुई, लेकिन द्रव्यवती रिवर फ्रंट ये भी बना, अधूरा काम वो आज भी है, गंदा पानी वहाँ पर है, नाला काम डिस्प्यूट की वजह से है जी। जो काम प्रीवियस गवर्नमेंट छोड़ गई थी वो काम, वो डिस्प्यूट प्रीवियस गवर्नमेंट ही पैदा कर गई थी। प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो है उनसे बगैर किसी ऑर्डर के जबानी तौर पर मौखिक तौर पर काम करवा लिया। अब जो मौखिक तौर पर काम करवा लिया, पेपर है नहीं, फाइल है नहीं, फाइल पे सेंक्शन है नहीं, तो कैसे पेमेंट करें उनका, यानी वो डिस्प्यूट पे फंसा। यानी यही वजह है कि वो अब आज भी अधूरा है और इसके बावजूद जब कॉन्सेप्ट आपको लगा कि चंबल रिवर फ्रंट को डेवलप करना चाहिए और इसलिए उस बड़े प्रोजेक्ट के काम में लग गए और इसलिए ये अधूरा रह गया, या अगर डिस्प्यूट नहीं होता तो क्या प्रायोरिटी में आपके ये होता? डेफिनेटली आती, हम बना के तैयार करके देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम देते बाकायदा फाइल पे ऑर्डर करवा करके, बाकायदा सेंक्शन करवा करके, हमारे रिवर फ्रंट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने एक एक चीज़ की सेंक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट से लेनी थी तो स्टेट गवर्नमेंट से दी। जो JDA जो UIT के लेवल पे सेंक्शन होती थी वो बाकायदा ट्रस्ट की मीटिंग बुला करके वहाँ दी, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हुई। ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जितनी भी, इनसे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बताया कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, आपको कैसे लगा कि ऐसा होना चाहिए, बनना चाहिए, बहुत मीटिंग्स की, लेकिन सबसे अहम बात है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सर, तो उसमें 5 से 8 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन 3 साल में ये कैसे संभव हो पाया पूरा करना? 3 साल में इसलिए संभव हुआ कि हमारी मॉनिटरिंग थी और आर्किटेक्ट साहब की और उनकी टीम की मेहनत थी और UIT के अफसरों की, UIT के जो अधिकारी थे और इंजीनियर्स थे, वो चूँकि हम मेहनत करते थे इसलिए उनको भी मेहनत करनी पड़ी। तो ये सबकी मेहनत से जो है ये इतने कम समय में जाकर के कोटा का सारा डेवलपमेंट हुआ है।
चंबल नदी तो वहाँ पर पहले से भी थी और इससे पहले भी आपके दो कार्यकाल थे, तब भी क्या कभी जहन में आया कि इसे डेवलप करना चाहिए, या इस बार कार्यकाल में आपको लगा कि अब फोकस इस पर है, दिक्कतें इसकी वजह से आ भी रही और इसे डेवलप करने की जरूरत है? सपने एक साथ नहीं आते, हर रात अलग अलग सपने आते हैं, तो उन दो कार्यकालों में कभी ये बात ही दिमाग में नहीं आई कि इस प्रकार का एक रिवर फ्रंट भी बनना चाहिए। इस बार आ गई, इसको उसको मूर्त रूप दिया गया। इस रिवर फ्रंट की विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि 6 किलोमीटर का है, 3-3 किलोमीटर और उसके बाद 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है, 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड में जिसमें आपका ईस्ट साइड में है और 6 किलोमीटर वेस्ट साइड में है। इसकी विशेषता यह है कि ये जिस प्रकार की बनावट इसकी आई है वो देखने काबिल है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कोई आदमी कि इस प्रकार का रिवर फ्रंट जो है, हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है, किसी जगह बन सकता है। इसमें हर चीज़ मौजूद है, भारतीय संस्कृति को हमने हूबहू उतारा है, 5 मंदिर बनाए हैं, वायु आकाश अग्नि पानी वगैरह वगैरह, इनके 5 मंदिर बनाए हैं और मिनिएचर्स भी ऐसे ऐसे वहाँ पर स्टैचू है, मास्क है, सारा सब कुछ है उसमें। रिवर फ्रंट को देखने के बाद में आदमी को मैं ये समझता हूँ कि कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो रिवर फ्रंट को तसल्ली से देख लेगा वो ये मान के चलेगा कि मैंने पूरा वर्ल्ड देख लिया। कितना वक्त लेकर आए कोई देखने अगर आता है तो, कितना टाइम चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना विशाल, इतनी सारी चीजें क्या रिवर छोड़ फ्रंट नहीं को देखने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए, right. 8 घंटे चाहिए, 8 घंटे के पहले कोई आदमी उसको देख नहीं पाएगा। देखने का मतलब ये कि जो बनावट जो बना है, जो बनी हुई चीज है, उसको किस प्रकार से बनाया गया है, ये बन सकता है तो किस तरीके से बन सकता है, और ये इतना इसमें ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, इस प्रकार के सवाल उसके दिमाग में अगर आते हैं तब जाकर के समझ में आता है। और एक वैसे ही ब्रॉड लुक ले लो आप, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। जब इतना बड़ा है तो कैसे इसमें घूमे, गोल्फ कार्ट है, वॉकिंग है या बोट के जरिए है? कैसे बोट के जरिए भी देखा जा सकता है, लेकिन रूबरू भी देखा जा सकता है, वो ज़्यादा बढ़िया है कि आप जो है वॉक करते हुए इसको देखते रहें, और फिर उसके बाद नाइट व्यू देखना है तो बोट के साथ बोट में बैठ करके आप नाइट व्यू देखें, नाइट व्यू से एक अलग ही रूप छवि दिखती है उसकी। 12-13 को तो उद्घाटन है, इसके बाद जनता के लिए भी समर्पित होगा, देख सकेंगे। इसके लिए क्या टिकट भी कुछ तय कर दी गई है कि कितनी टिकट लगेगी, कितनी फीस लगेगी एंट्री की? वो अभी तय नहीं किया है, लेकिन 2 महीने तक तो हम जनता को फ्री दिखाएंगे। उसमें ऑनलाइन रिजर्वेशन होगा, जिसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उन आदमियों को उस रोज अलाउ करेंगे। हम कम से कम आदमियों को अलाउ करेंगे ताकि भीड़ में जो है वो कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं देखी जा सकती, लेकिन उम्मीद ये है कि साहब शहर के जो आदमी देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे, उनके लिए फ्री है, लेकिन बाहर का कोई आदमी आएगा उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसको करेंगे फिर टिकट के साथ, तो टिकट का पैसा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो अलग बात। हमने एक अमेरिकन कंपनी को जो है इसकी फैसिलिटी का पूरा ठेका दिया है, और वहाँ पर जो शॉपिंग किया है, शॉपिंग का है मामला, शॉप्स जो बनाई गई है उसमें सब बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, सब ने अपने अपना ले लिया है, मैकडोनल्ड है, ये है, वो है, ऐसे करके पिज़्ज़ा है, ये है, वो सब दुनिया भर की सब चीज़ें हैं। चंबल रिवर फ्रंट जितना दिलचस्प है शांति धारीवाल जी, उतनी दिलचस्प आपसे बातचीत है, इस पर चर्चा भी है, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी लगातार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शांति धारीवाल जी, एक बेहद अहम सवाल उठता है कि कोटा जो कि अब तक इतना डेवलप नहीं था, यहाँ पर्यटक आते नहीं थे, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर घूमने लायक कोई ऐसी जगह नहीं है कि लोग आए, 5-स्टार होटल नहीं है अब तक की हम बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो पर्यटक हैं वो कोटा के आसपास से निकल जाते थे। अब रूट डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर पूरा विकसित हो सके, इसलिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि पर्यटक आए, और उनके आने के लिए ही ये पूरी तैयारी है, ये चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार है, लेकिन इसको मेंटेनेंस कैसे करेगा? अगर 3-4 हज़ार पर्यटक रोज़ाना नहीं आएंगे तो वायबल नहीं होगा ये,
तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप, मेंटेनेंस का क्या रहेगा? देखिए, मेंटेन करने के लिए हमने एक अमेरिकन कंपनी को ठेका दिया है जी। वो अमेरिकन कंपनी जिस प्रकार के एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट किसी कंपनी को लगा दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक बड़ी कंपनी को लेके आए हम और जो है उसको ठेका दिया, वो मेंटेन करेगी बाकायदा, क्योंकि पर्यटक आएगा कोई चीज़ को ख़राब ना कर दे, कोई बिल्डिंग को लोगों की आदत होती है कि पान का पीक थूक देते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने वाला कौन होगा? इसीलिए वो अमेरिकन कंपनी का आदमी लगा है। तो जब ये जनता के साथ जनता को सुपुर्द किया जाएगा, मतलब जनता देखने को अलाउ कर दिया जाएगा विदाउट टिकट, तो भी कंपनी काम करेगी, कंपनी के कर्मचारी काम करेंगे, और जब फ्रंट जो आपका टिकट से जो काम चालू होगा तो भी कंपनी काम करेगी, मेंटेन भी वही करेगी, साफ सफाई वगैरह, बोटिंग वगैरह, ये वो सब चीज़ कंपनी करेगी। अच्छा शांति धारीवाल जी, एक आरोप आप पर लगता रहता है, तो आप UDH मंत्री प्रदेश के, लेकिन कहते हैं कि आप सिर्फ कोटा के मंत्री हैं, कोटा में आपने बड़े बड़े काम कराए हैं और बाकी जगह उतने बड़े काम नहीं कराए जो होने चाहिए, क्या बाकी में मानते हैं इन आरोपों को? आप देखिए अजमेर में क्या डेवलपमेंट कम हुआ है, क्या उदयपुर में डेवलपमेंट कम हुआ है, चाहे बीकानेर में कम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ डेवलपमेंट? फिर ये आरोप क्यों लगते हैं? जयपुर जयपुर में कम हुआ है क्या? आपका रामनिवास बाग में जो है पार्किंग बनेंगी, आपका B2 बाईपास पर अंडरपास बन रहा है जो रेड लाइट फ्री हो जाएगा। कोटा 15 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, 15 लाख की पॉपुलेशन पर जितनी भी रेड लाइट थी वो सब हमने हटवा दी। अब एक भी रेड लाइट नहीं है। अब स्टेशन से लेकर के कोटा का आखिरी छोर जो अनंतपुरा है वहाँ तक जाने के लिए जब आधा घंटे से 35 मिनट लगा करते थे, अब गाड़ी वहाँ पर 11 मिनट में पहुँच जाती है, कार कहीं रुकती नहीं है। तो उसी कंसेप्ट पे हमने यह जयपुर में तीन चौराहे लिए, एक OTS का चौराहा लिया जिसमें काम शुरू होगा, OTS आपका B2 बाईपास पे काम चल ही रहा है, और लक्ष्मी मंदिर सिनेमा का जो है वो तो काम कंप्लीट हो गया, अंडरपास का काम कंप्लीट हो गया, अब लोकार्पण अभी 20-22 तारीख के पास में हो जाएगा, यहाँ पर भी काम शुरू किया है। तो यानी आप ये कह रहे कि काम हर जगह हुए हैं, लेकिन बस हो सकते कि चंबल रिवर फ्रंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको देखते हुए लग रहा हो। इतनी लंबाई की अजमेर में हमने एलिवेटेड रोड बनाई है, एलिवेटेड रोड के साथ साथ आना सागर के आसपास का सारा एरिया डेवलप किया है, उदयपुर में देखिए आप कितने फ्लाईओवर बने हैं, कितना सब कुछ हुआ है, तो ये सब सारा काम हुआ है। ये बात ज़रूर है कि चूँकि पैसे का जनरेशन का सवाल आता है, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह हजारों करोड़ रुपए नहीं दे सकती डेवलपमेंट के लिए, कोटा की UIT ने खुद अपना पैसा जनरेट किया है सरकार से, आज कोटा में 5,700 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, 5,700 करोड़ रुपए के काम कंप्लीट हो गए, उसमें से सिर्फ कुल मिला करके 800 करोड़ रुपए का एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें 400 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, 350 दिए उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट को भी 400 करोड़ रुपया देना था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपये रोक रखे हैं, तो उन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपये रोक रखे हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके 5,000 करोड़ रुपया जो लगा वो 5,000 करोड़ रुपया वहाँ की ही नगर विकास न्यास ने जनरेट किया है, सरकार का पैसा नहीं लिया, राजस्थान सरकार से हमने कभी एक पैसा नहीं मांगा, केंद्र सरकार का तो स्मार्ट सिटी के अलावा एक पैसा देने का काम होता ही नहीं। इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी कोई पैसा नहीं। अपने विकास की बात की और प्रशासन शहरों के संग अभियान भी बेहद अहम अभियान था, 10 लाख पट्टे देने की बात इसमें थी, 9 लाख पट्टे बढ़ चुके हैं, 9 लाख बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि अभी कुछ और पट्टे बढ़े, अभी पाइपलाइन में है 1 लाख पट्टा करीब करीब पाइपलाइन में है, अगर आचार संहिता के पहले बढ़ गए तो हम 100% इसमें कामयाब हुए, और 90% तो हो गए, 9 लाख तो बट गए। कोटा में सिटी पार्क डेवलप हुआ तो लेकिन क्या वहाँ पर लोगों के वॉक करने की भी सुविधा रहेगी? क्योंकि बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेगी, वॉक फ्री रहेगा।
ठीक है, एंट्री उनकी पार्किंग फ्री और ये जैसे कि यहाँ जयपुर में भी है पार्क में, वैसे ही सुविधा वहाँ पर रहेगी। बिल्कुल वैसे। ठीक है, वर्ल्ड क्लास बनाया आपने चंबल रिवर फ्रंट को, वर्ल्ड क्लास लेवल का ही इसमें डिज़ाइन किया गया है, हर एक चीज़ बनाई गई है, फोकस भी पूरा रहा है, ये अलग रहेगा क्योंकि अब तक साबरमती रिवर फ्रंट ही जाना जाता था। इस रिवर फ्रंट में चार चीजें तो ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक तो 235 फीट ऊंची चंबल माता की जो मार्बल की मूर्ति है, आपको 235 फुट ऊंची कास्ट आयरन की मूर्तियां तो खूब मिल जाएंगी आपको, लेकिन मार्बल की मूर्ति बनी हुई नहीं मिलेगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें चंबल माता जो है हाथ में घड़ा लेकर के और पानी गिरा रही है चंबल में, वो मूर्ति बनाई गई है और वही लोकार्पण का स्थल है। मुख्यमंत्री जी जो है जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ संपन्न हो पाया है, पूरा रिवर फ्रंट ही नहीं पूरा कोटा का डेवलपमेंट उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न हो पाया, उनके द्वारा जो है बोट में बैठ करके और ये बटन दबाया जाएगा और बटन दबाने से उसमें से जो पानी गिरेगा वही उसका लोकार्पण है। 125 पुजारी उसकी पूजा उसके आरती करेंगे उस वक्त। इसकी लॉन्चिंग कैसे, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतना शानदार है तो इसकी लॉन्चिंग भी शानदार होगी, क्या कुछ खास रहेगा, आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा, क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पूरा रिवर फ्रंट ही आकर्षण का केंद्र है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में कुछ अलग से क्या कोई इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं? अलग से तो आपको कोई खास गेस्ट होंगे, कोई खास मेहमान होंगे इसमें? दूसरे बता रहा हूँ आपको, एक तो ये आपका विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, दूसरा जो 1960 में जब ये सारे गांधी सागर का बैराज, गांधी सागर का डैम और राणा प्रताप सागर का डैम और जवाहर सागर का डैम और कोटा बैराज, इन चारों का कोटा में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसका लोकार्पण किया था, तो उन्हीं की याद में हमने नेहरू जी का इतना बड़ा मास्क बनाया, चेहरे का मास्क बनाया जो कि वर्ल्ड में वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा कि इतना बड़ा मास्क किसी भी आदमी का चेहरे का मास्क जो है वो नहीं बना। तीसरा, इतनी बड़ी नंदी पत्थर की बनी हुई नंदी आपने कहीं वर्ल्ड में नहीं देखी होगी। चौथी बात यह है कि 78,000 टन का एक घंटा बनाया गया है, 78,000 टन का जो कि गल गया है, अभी ठंडा हो रहा है, ठंडा होने में करीब करीब 25-30 दिन का टाइम लगेगा, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा घंटा होगा। जब वो घंटे की घंटी बजेगी ना तो वो 8 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो चार वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला तो रिवर फ्रंट है, ये आकर्षण का केंद्र यही है। धारीवाल जी, 2 दिन तक पूरी कैबिनेट भी कोटा में रहेगी, क्या वहाँ कैबिनेट मीटिंग भी होगी, उसके लिए भी कुछ खास है क्या इंतजाम? 11 बजे करीब कैबिनेट, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुलवाई है वहाँ पर, तो सब कैबिनेट मंत्री पहुँच रहे हैं। अच्छा, कोटा में ये जो विकास हुआ है उसका पूरा श्रेय आपको जाता है क्योंकि पूरा पैसा आपने कोटा UIT से ही लिया, राज्य सरकार से कुछ श्रेय नहीं जाता क्योंकि राज्य सरकार से पैसा नहीं लिया गया। इसके अलावा अगर हाउसिंग बोर्ड रिवाइवल की बात की जाए तो उसका क्रेडिट सरकार को जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए कहीं नहीं सुनने को मिला कि मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार को इसका क्रेडिट जाता हो। मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद था उनके आदेश के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया इसका नक्शा लेकर के साहब कोटा में इस तरह का रिवर फ्रंट बनाना चाहता हूँ, तो 1 घंटे तक उन्होंने पूरा रिवर फ्रंट का नक्शा देखा, सब कुछ देखा, देख करके कहा कि आगे बढ़ो बढ़ो आगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यानी आप प्रोजेक्ट लेकर गए, मंशा जो थी मुख्यमंत्री की भी थी कि इसको देखने सुनने के बाद कि ऐसा बनाएंगे, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस पर आगे बढ़ो और फिर इसके बाद आप और उन्हीं की इजाज़त से हुआ सब कुछ भविष्य। अच्छा, एक आखिरी और अहम सवाल है, खास बात होती है किसी भी मंत्री के लिए जब प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री ये कह दे कि अगली सरकार में तो UDH मंत्री शांति धारीवाल ही रहेंगे हमारे। ये तो कहा था एक बार मुख्यमंत्री ने। अब उनका विचार है, आगे क्या होता है कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि आपके कामों की वजह से ये भरोसा है, अगर काम ना हो कोई मंत्री? काम का एप्रिसिएशन मिलता है मुझे, मिलता है मुझे,
तो उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में यूडीएच मंत्री के तौर पर भी शांति धारीवाल और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये महज उदाहरण है। मैंने अपने भाषण में यहाँ पर कह दिया, आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शांति धारीवाल जी हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वक्त से पहले ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, लोगों को उतना पसंद भी आए, और दूसरा कि वर्ल्ड लेवल पर जाना जाए चंबल रिवर प्रोजेक्ट। मैं तो यही मान करके चलता हूँ कि इसका दुनिया का जो आदमी रिवर फ्रंट को देख, हेरिटेज रिवर फ्रंट को देखना देखने के लिए सुनता है, तो सुनने के बाद में ज़रूर उसके मन में ये इच्छा वो होगी कि मैं एक बार कोटा जाकर के इसको देखूं। ये देखने का भी चीज़ है। चलिए, तो अब जनता को समर्पित भी है तो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रचार प्रसार भी होगा, और कोटा सिर्फ कोचिंग सिटी नहीं बल्कि अब चंबल रिवर फ्रंट के तौर पर भी जाना जाएगा। पर्यटक बढ़ेगा जी, पर्यटक के साथ साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था के साथ साथ जनवरी से जो है लोगों को रोजगार मिलना चालू होगा, क्योंकि अभी तो फ्री है। अब जब कंपनी काम करेगी तो कंपनी जो है ये मेरा ख्याल है दिसंबर या जनवरी से जब भी इसमें वो टिकट लगना चालू हो जाएगा तो रोजगार देगी लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया शांति धारीवाल जी बातचीत के लिए, और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।